एक क्वेश्चन और हम करते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए फंक्शन सच दैट रियल टू रियल, एक फंक्शन है जो रियल से रियल पर काम कर रहा है, मतलब सेट ए के अंदर और सेट बी के अंदर दोनों के अंदर कौन है रियल नंबर, और उन रियल नंबर के साथ साथ दिया है उसने कि एफ एक्स इक्वल टू जो हमारा है वो क्या है 2x² + 3। आइए सबसे पहला काम हम चेक करते हैं किसको कि ये 1 है या नहीं है। हम लिखेंगे फॉर 1 और 1 क्या कहता था, 1 कहता था कि लेट करके चलो कि ये एफ ऑफ एक्स वन इक्वल होगा किसके, एफ ऑफ एक्स टू के। हमने देखा कि एफ ऑफ एक्स वन क्या मिलेगा कि 2, जहां जहां एक्स वहां वहां क्या एक्स वन, तो 2x² + 3 इक्वल टू ऐसे यहां हो जाएगा 2x² + 3, और हमने देखा इससे ये माइनस हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये 2x² = 2x² इससे ये कैंसिल, इसको इधर लाएंगे तो x² - x² = 0, और ये a² - b² को अप्लाई करता है। इसका मतलब a² - b² क्या होता है, a - b इंटू a + b इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, लिखेंगे therefore x1 - x2 = अगर 0 है तो x1 = क्या हो जाएगा x2, और इधर x1 + x2 = 0 है तो x1 = क्या हो जाएगा -x2। कि x1 = क्या है x2, और x1 = यहां पर क्या है -x2, मतलब x1 कितनी वैल्यूज दे रहा है, 2 दे रहा है, एक प्लस की और एक माइनस की। जब सेट एक में सेट ए का एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंट के साथ इमेज रखता है, इसका मतलब क्या फंक्शन 1-1 है क्या, सेट ए का एलिमेंट सॉरी एक्स गिव्स 2 वैल्यूज, एक्स 2 वैल्यूज देता है। लिखेंगे एक्स देयरफॉर एक्स गिव्स 2 वैल्यूज, क्या x1 and -x2, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 1-1 क्या कहता है कि केवल और केवल x1 = किसके होना चाहिए x2 के, जबकि यहां पर क्या आ रहा है -x2, इसका मतलब ये नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1-1, फंक्शन 1-1 नहीं है, किस पर, रियल से रियल पर। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसके लिए, ऑन टू के लिए। आइए देखते हैं ऑन टू के लिए, ऑन टू क्या कहता है, फॉर ऑन टू। अब ऑन टू के लिए देखते हैं, ऑन टू क्या कहता था कि लेट करके चलो y = कितना f ऑफ x, तो y तो y है और f x कितना है 2x² + 3। बताया था कि y = f x लेकर चलें और वैल्यू निकालें x = में, तो हम यहां करेंगे केवल 2x² = जब इसको इधर ट्रांसफर किया तो y - 3x² = y - 3/2, और ऐसे यहां से हमने स्क्वायर को हटाया तो प्लस माइनस का आएगा हमारा √y - 3/2। अब हमें यहां पता है कि हमारा x भी रियल है और y भी रियल है, तो लिखेंगे therefore यहां क्या कि y बिलोंग करता है रियल में, y तो रियल में बिलोंग करता है, लेकिन x नॉट गिव्स या x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल। y तो बिलोंग रियल में करेगा लेकिन x रियल में बिलोंग नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, ये चेक करें। यहां ये सेट a है और ये सेट b है, और मैं तुमसे कह दूं कि जो x = हमारे पास क्या है y - 3/2 है, तो मैं तुमसे कह दूं कि यहां y = 1 रख दो। जब हम y = 1 रखेंगे तो x = क्या मिलेगा 1 - 3/2, मतलब √ में -2/2, मतलब हो गया माइनस का √1, और √1 माइनस में इमेजिनरी नंबर होता है और इमेजिनरी नंबर रियल नंबर के अंदर नहीं आता। तो क्या लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू, या बोले तो इसको लिख दो √-1 डज नॉट बिलोंग्स टू किसमें, रियल में। इसका मतलब
कि हमारा जब ये बिलोंग ही नहीं करता रियल में तो फिर कैसा है, तो फिर ये फंक्शन हमारा फंक्शन इज नॉट ऑन टू, कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। क्यों? जैसे मैंने तुमसे कहा कि इस एफ एक्स में, सॉरी कहाँ है हमारा एफ एक्स, ये रहा वाई इक्वल टू है, वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री में एक्स की वैल्यू प्लस की वन रखेंगे तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, टू प्लस थ्री इक्वल टू फाइव, और एक्स इक्वल टू माइनस की वैल्यू रखेंगे तो वाई इक्वल टू भी क्या मिलेगा, फाइव। मतलब प्लस वन पर भी माइनस वन पर भी कौन मिला, फाइव। तो कई वैल्यूज का एक से रिलेशन, पहले या तो वन वन नहीं है, दूसरा ऑन टू क्यों नहीं है, कि इसमें कई सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जो इसमें नहीं मिलेंगे। और हमने एग्जांपल की हेल्प से यहाँ बता भी दिया कि हमने x इक्वल टू वाई इक्वल टू वन रख कर के बताया था, और हमारा x इक्वल टू अंडर रूट में माइनस वन आया था, और अंडर रूट में माइनस वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जहाँ आयोटा मिलता है, अंडर रूट माइनस वन इक्वल टू आयोटा, और आयोटा डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है, रियल नंबर के अंदर नहीं आता। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होता है। और इसी क्वेश्चन को अगर हम दोबारा करने का प्रयास करें, किसकी कंडीशन में, कि इसको रियल से रियल हटाकर नेचुरल से नेचुरल कर दें, तब के लिए देखते हैं कि हमारा ये फंक्शन वन वन और वन टू होगा या नहीं। आइए चेक करते हैं। देखिएगा कि जो फंक्शन हमारा था वो अब एन टू एन पर वन वन और वन टू होगा कि नहीं होगा। लिखेंगे पहले किसके लिए, फॉर वन वन के लिए, पहले ये रियल से रियल पर था, अब ये ऑन नेचुरल से नेचुरल पर है। तो चेक करते हैं क्या करते थे यहाँ पे, कि लेट एफ ऑफ एक्स वन जो होगा हमारा वो एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल होगा। इसका मतलब टू एक्स वन का स्क्वायर जैसे पहले किया था, प्लस थ्री इक्वल टू टू एक्स टू का स्क्वायर प्लस थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, थ्री से थ्री हमारा कैंसिल हो गया, ऐसे टू से टू कैंसिल हो गया, तो हमारा x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू जीरो आया। वही कंडीशन अप्लाई की कि x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो। मींस क्या है, हम पहले लेके चलते हैं इसको कि x1 प्लस x2 इक्वल टू जीरो, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, कि x1 कौन है, नेचुरल, x2 कौन है, नेचुरल। क्या दोनों नेचुरल, क्या दो नेचुरल नंबर्स का टोटल कभी जीरो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता भाई। नेचुरल कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में पॉजिटिव को जोड़ोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, जीरो कहाँ से आ गया, जीरो कब आया होगा, जब ये माइनस टू रहा होगा और ये प्लस टू रहा होगा, या माइनस फाइव रहा होगा प्लस फाइव रहा होगा, और माइनस तो मतलब नेगेटिव तो नेचुरल के अंदर आता ही नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन हम अप्लाई कर ही नहीं सकते, इसे छोड़ देंगे, लिख देंगे यहाँ पे लिमिट, इसको छोड़ देना, नेगलेक्ट, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे नेगलेक्ट, क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स का सम कभी भी जीरो नहीं आ सकता। इसका मतलब फिर हम क्या करेंगे कि x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो, हाँ ये चलेगा, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। इसको हमने नेगलेक्ट किया, क्यों नेगलेक्ट किया, क्योंकि दो नेचुरल्स का टोटल जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, दो पॉजिटिव को जोड़ने पर पॉजिटिव मिलेगा। यहां पर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो लिख देंगे देयरफॉर क्या, कि फंक्शन इज वन वन। समझ में आ गया, बिल्कुल सेम जैसे ऑन टू है, फॉर ऑन टू बिल्कुल सेम, अभी जो हमने रियल से रियल पर किया था बिल्कुल सेम वही कंडीशन, डिक्टो आप नोट कर दीजिए, और वही कंडीशन हमारी अप्लाई होगी, और वो भी हमारा क्या ऑन टू नहीं होगा, बिल्कुल सेम जैसे हमने कैसे किया था, सेम कैसे, कि जो हमने लिखा था वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, इस तरीके से हमने सॉल्व किया था, और सॉल्व करने पर आया था हमारा प्लस माइनस का अंडर रूट वाई माइनस का थ्री अपॉन टू, फिर हमने वही वाई रख के दिखाया वन था, एक्स हमें अंडर रूट माइनस वन मिला था। तो इस तरीके से क्या ये हमारा जो फंक्शन होगा, आप आसानी से बता सकते हैं कि ऑन टू होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने दो तीन क्वेश्चन करने के प्रयास किए, और मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। आप इसको एक बार नोट कर लें, नोट करने के बाद
अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, इसके बावजूद भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, हम ताकि हम उसको अगली वीडियो में अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करें। और तब तक के लिए धन्यवाद।